Assalamualaikum, my name is Javed Iqbalewan. Microsoft SQL Server Queries में की part 2 में मैं आप लोगों को welcome करता हूँ. आज का जो हमारा topic है वो है joining. मैंने इसके अलावा बाकी चीज़ें insert और select, insert update delete और select queries मैंने part 1 में करा दी थी. उसमें अब joining एक रहेगी, ये वो मैं आपको करा के तो एक घंटे में हमारा ये पूरा package complete हो जाएगा. एक घंटे की recording में हमारा तकरीबन SQL जो है वो main queries जो है हमारे पास जो है जो रनिंग क्यूरीज होती है एक एप्लीकेशन बनाने के लिए, डेटा बेस स्ट्रक्चर बनाने के लिए, वो हमारी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी. अब जैसे हमने यहाँ पे दो टेबल मैंने लास्ट ट्रेनिंग में बनाया था, इसमें एक स्टूडेंट का टेबल था और इसकी फीस का टेबल था. मैं इसमें रिकॉर्ड आपको दिखा देता हूँ. जैसे हमारे पास एक स्टूडेंट का टेबल है जिसमें तीन बच्चों का एडमिशन है, जिसके रोल नंबर 100 है, 101 है और 102, तीन रोल नंबर के स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ हुआ है. और इसी तरीके से इन रोल नंबर के अगेंस्ट में हम लोगों ने फीस पे की थी, वो हमने TBL फीस के टेबल में रखी थी. तो ये दोनों टेबल में हमारे पास डेटा मौजूद है. अब जैसे नॉर्मली हमें जब समरी बनानी होती है, अब हमने ये क्यों किया था, ये हमने नॉर्मलाइजेशन इसलिए की थी ताकि अगर एक स्टूडेंट का टेबल है जिसमें अगर फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट का नाम, फादर नेम, एज, एड्रेस, फ़ोन नंबर, उसका लास्ट स्कूल वगैरह बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, जो स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन हम स्टूडेंट के टेबल में पास करते हैं और उसकी फ़ीस की इंफॉर्मेशन फीस के टेबल में पास करते हैं. तो अब हमें ये शो करना होता है कौन सा बच्चा फीस दे रहा है. तो हम रोल नंबर को हमने यूनिक बनाया था, प्राइमरी की रखा था. तो एक टेबल में स्टूडेंट के टेबल में प्राइमरी की थी रोल नंबर की, और इसी तरीके फीस के टेबल में हमने उसको फॉरन की असाइन किया था रोल नंबर को, ताकि जब हम फीस पे करेंगे तो वहाँ पर हम स्टूडेंट को रोल नंबर दे देंगे तो ये बच्चा फीस पे कर रहा है. तो उससे हमें ये फ़ायदा हुआ कि हमारी जो हमारी डेटा है वो रिपीट नहीं होगा. अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं एक ही टेबल के अंदर फॉर एग्जाम्पल मैं फ़ीस भी रख लेता, स्टूडेंट के टेबल में ही फीस चली जाती तो वो भी पॉसिबल था. लेकिन उसमें होता ये था कि जब बच्चा फीस पे करेगा तो क्या होगा कि वो पूरी रो इफेक्टेड होगी, पूरी रो दोबारा से जो है वो ऐड होगी, जो स्टूडेंट नाम, फादर नेम, एड्रेस वगैरह ये सब रिपीट होगा. और सिर्फ जो चाहे फीस की आईडी, फीस अमाउंट और फीस का मंथ, ये चलो तीन चार चीज़ें तो फीस की है, लेकिन जो स्टूडेंट का सारा डेटा वो सब रिपीट होगा. इससे बचने के लिए हमने जो है वो नॉर्मलाइजेशन की थी दोनों टेबल्स में, जिसमें हमने एक यूनिक की आर नंबर पास किया था और वही आर नंबर हमने फीस के टेबल में दे दिया कौन बच्चा फीस दे रहा है. लेकिन जब हमें समरी बनानी होगी, जब हमें समरी बना के जो है वो क्लाइंट को या यूज़र को या किसी भी मद में हमें वो समरी शो करनी होगी, तो फिर रोल नंबर के हिसाब से तो समझ में नहीं आएगा ना कि कौन बच्चा है, किस बच्चे ने फीस दी, उसका नाम क्या है, फादर नेम क्या, उसकी क्लास क्या है. तो फिर हम क्या करेंगे कि वो जो डेटा जो स्टूडेंट नाम, फादर नेम, क्लास वगैरह है वो स्टूडेंट के टेबल में मौजूद है और फीस का रिकॉर्ड फीस के टेबल में मौजूद है. तो अब हम इन दोनों टेबलों को ज्वाइन करेंगे. तो हमारे पास ज्वाइन की मेन क्यूरी जो एसक्यूएल सर्वर सपोर्ट करती है वो चार मेन क्यूरीज है. एक है आपके पास इक्वी ज्वाइन. इक्वी ज्वाइनिंग क्या होती है कि इक्वी ज्वाइन और इनर ज्वाइन इन दोनों का आउटपुट सेम होता है. दोनों का मकसद ये होता है कि दोनों टेबलों में जो यूनिक आइटम है, यानी कॉमन डेटा है, यानी वो बच्चा जिसका एडमिशन हुआ हुआ है, जिस तरह 101, 100, 101 और 102 तीन बच्चों का एडमिशन हुआ हुआ है, और लेकिन फीस जो आई हुई है वो आई है रोल नंबर 100 की दो दो फीस आई है और 101 की वन टाइम फीस आई है, लेकिन 102 की फीस नहीं आई है. अब मुझे ऐसा डेटा निकालना है कि इन दोनों टेबलों में जो कॉमन है, यानी 100 वाला और 101 वाला, कि उनका डेटा मुझे सिर्फ चाहिए हो, तो फिर हम यूज़ करेंगे इक्वी ज्वाइनिंग या फिर इनर ज्वाइन. दोनों का आउटपुट सेम ही होता है. तो उसका तरीकेकार ये होता है कि जैसे मैंने देखा सेलेक्ट, अब मुझे स्टूडेंट का टेबल है उसमें से मुझे चाहिए आर नंबर, तो मैंने आर नंबर का कॉलम ले लिया. इसी तरीके से स्टूडेंट के टेबल में से मुझे स्टूडेंट का नाम चाहिए, और इसी तरीके से हमें स्टूडेंट के टेबल से मुझे स्टूडेंट का फादर नेम चाहिए फॉर एग्जांपल. अब ये तीन चीज़ें मुझे स्टूडेंट के टेबल से चाहिए और इसके अलावा मुझे फ़ीस के टेबल से बाकी चीज़ें चाहिए, तो फिर मैं क्या लिखूँगा, मैं फ़ीस का टेबल दूँगा. मैंने कहा TBL फीस डॉट, यहाँ मैंने कॉमा दे दिया, सेपरेट दिया, और जब TBL फीस डॉट करेंगे तो उसका मतलब है कि मुझे फ़ीस के टेबल से क्या चाहिए. फॉर एग्जांपल मुझे फ़ीस की आईडी चाहिए, और इसी तरीके से मुझे TBL फीस के टेबल में से मुझे फ़ीस का मंथ चाहिए, और इसी तरीके से मैं TBL फीस के टेबल से मुझे फॉर एग्जांपल फ़ीस की अमाउंट चाहिए. अब ये डेटा मुझे रिक्वायर्ड है दोनों टेबलों से, तो दोनों टेबलों को मैंने अलग अलग लिख के और उसके अंदर मुझे डेटा मैंने यहाँ से कलेक्ट कर लिया. अब हम इक्वी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका सिंटैक्स ये होता है कि जब हमें पहले तो सारे कॉलम डिफाइन कर देना है कि कौन 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 से टेबल से मुझे क्या क्या कॉलम चाहिए, फिर इसके बाद आपने यहाँ पे आके लिखना है फ्रॉम. पहला टेबल आप देंगे आपने कहा TBL स्टूडेंट कॉमा, और फिर हमने कहा TBL फीस, ये दो टेबल हमने यहाँ डिफाइन कर दिए. फिर हम यहाँ पर वेयर का क्लाउज लगाते हैं और फिर हम कहते हैं जैसे TBL स्टूडेंट
टीवीएल स्टूडेंट में रखता है या फीस भी पहले रख सकते हैं, वस्ता नहीं है। हमने कहा स्टूडेंट, अब यहाँ मैं प्राइमरी की और फॉरन की को मैच करूँगा। हमने कहा टीवीएल स्टूडेंट के अंदर जो प्राइमरी की है वो आर नंबर है और उसको मैं मैच करूँगा टीवीएल फीस के अंदर आर नंबर जो कि फॉरन की है। अच्छा, इसके लिए टेबल के स्ट्रक्चर में प्राइमरी की फॉरन की अगर नहीं भी बनी होगी तो कोई इशू नहीं है, डेटा हमारा बिल्कुल सही आएगा। तो अगर बनी होगी तो भी डेटा सही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर मैं ये डेटा रन करता हूँ तो मैं हम देखें कि दोनों टेबलों में जो कॉमन डेटा था, यानी 100 वाले का रोल नंबर है उसकी फ़ीस भी आई हुई है, 100 की दो फीस आई हुई है, रोल नंबर 101 वाले की एक फ़ीस आई है लेकिन 102 की फ़ीस नहीं आई थी, तो उसका डेटा वो लेकर नहीं आएगा क्योंकि दोनों टेबलों में कॉमन है। तो उसके बाद 102 वाले की फ़ीस नहीं है, दूसरे टेबल में फीस के टेबल में नहीं है, तो उसका डेटा हमारे पास नहीं आएगा। अच्छा, अगर कभी ऐसा होता है कि जैसे टेबल लिखने में, नाम लिखने में बार बार में रिपीट करना पड़ता है और ये सारा जो है वो ये क्यूरी तो हमें जो है वो स्टोर प्रोसीजर में या फिर जो है वो फॉर्म पे भी लगानी होती है, तो देन उस सूरत में ये होता है कि हैवी हो जाती है हमारी एप्लीकेशन, ज़्यादा कोड इसमें बढ़ जाता है। तो आप चाहो तो यहाँ पर निक नेम एलिसिस भी दे सकते हो। अब जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर पास कर दिया टी, मैंने इसको टीवी रेस्टोरेंट को मैं टी का नाम देना चाहता हूँ, तो यहाँ पे भी मैंने इसको भी दे दिया टी का नाम। तो जहाँ जहाँ टी वी स्टूडेंट का टेबल है वहाँ मैंने कोई भी लफ्ज़ दे दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने टी का वर्ड दे दिया। और इसी तरीके फीस वाले का जो नाम है टी वी फीस का टेबल है उसको मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल एफ़ का नाम दे दिया। तो ये निक नेम यानी एलिसिस हम इसको दे सकते हैं, और फीस वाले को मैंने एफ़ का निक नेम दे दिया और स्टूडेंट वाले टेबल को मैंने टी का नाम दे दिया। फिर हम इसको बताएंगे कि क्या एफ़ है और क्या टी है। तो स्टूडेंट के टेबल को मैंने निकनेम टी दिया है, तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा कि इसका जो टी जो है वो स्टूडेंट के टेबल का निकनेम है और एफ़ जो है हमारे पास फीस के टेबल का निकनेम है। और फिर इसी तरीके से हमें यहाँ पर भी वही टी और एफ़ का रिपीट करना पड़ेगा। तो मैं कहा टी का आर नंबर इक्वल कर रहे हो किसके साथ, एफ़ के आर नंबर के साथ। तो ये हम यूँ भी कर सकते हैं, इससे ये होगा हमारा कोड बच जाता है। और दूसरा ये है कि यानी कोड बचाना ही होता है, मकसद ये होता है। तो अगर मैं आउटपुट इसका दिखाऊंगा तो इसका आउटपुट वही आएगा जो हमारे पास से पहले हमारे पूरे पूरे टेबल के नाम लिखने पे आया था। तो इस तरीके से हम इनर इक्वी जॉइन करते हैं। इनर जॉइन भी सेम यही आउटपुट देता है। अगर मैं इसको यही कोड इनर जॉइन पे करना चाहता हूँ तो कोई इतना मुश्किल नहीं है। आपने फ़र्क क्या आएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि ये इनर जॉइन का कोड है, कमेंट है, इसको कमेंट पड़ता नहीं है। तो जहाँ पे हमने जो है वो फॉर्म लगा के और जहाँ कॉमन लगाया था सेपरेट दोनों टेबलों के बीच में, आपने यहाँ पे लिख देना है इनर जॉइन। और फिर इसके बाद जहाँ पे हमने वेयर लगाया था, वेयर की जगह आप यहाँ पे कर दोगे ऑन। तो ये भी देखें सेम आउटपुट लेकर आएगा जो कि आपका इक्वी जॉइन लेकर आया था। इक्वी जॉइन और इसका आउटपुट बिल्कुल सेम होगा, ठीक है जी। यानी जो काम इक्वी जॉइन करता है वो इनर जॉइन करता है, जो इनर जॉइन से आउटपुट आता है वही आउटपुट आपका इक्विजेंस भी आता है। अच्छा, अब रह गया मैं उस बच्चे का डेटा देखना चाहता हूँ जिसका एडमिशन हुआ है लेकिन उसकी फ़ीस नहीं आई है। अब यहाँ देखिए हमारे पास जो इनर जॉइन के अंदर जो डेटा था उसमें मैंने मुझे ये एक फॉर एग्जाम्पल कॉलम चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उस बच्चे का भी डेटा आए जिसका एडमिशन नहीं, वो एडमिशन हुआ है लेकिन फ़ीस नहीं आई है। तो भले फीस की जगह जो नहीं आई उसकी जगह नल लिखा हुआ जाए लेकिन उस बच्चे का नाम तो हमारे पास है। तो फिर इस सिनेरियो में क्या होता है कि देखिए मैंने यहाँ पे एक लेफ्ट हैंड साइड पे फीस का टेबल रखा है और राइट हैंड साइड पे मैंने स्टूडेंट का टेबल रखा है। तो फिर अगर मैं चाहता हूँ कि पहले स्टूडेंट के टेबल में जाए, वहाँ से सारा डेटा कलेक्ट करे तो और इसके बाद जाए फीस के टेबल में, जहाँ जहाँ फीस है फीस असाइन कर दे और जहाँ फीस नहीं है वहाँ पर उसकी जगह नल लिख दे, तो मेरे पास स्टूडेंट का टेबल है लेफ्ट हैंड साइड पर। तो मैं क्या करूँगा, ये कि ये राइट हैंड साइड है हमारी और ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो मैं यहाँ पे लेफ्ट आउटर ज्वाइन यूज़ करूँगा। और लेफ्ट आउटर ज्वाइन में क्या होगा, स्टूडेंट के टेबल है तो पहले स्टूडेंट के टेबल में जाएगा, सारा डेटा लेकर आएगा, फिर जाएगा फीस के टेबल में और उस जहाँ जिस बच्चे की फीस आई है वहाँ फीस लगा देगा और जिसकी फीस नहीं आई है वहाँ पर वो क्या करेगा, नल लिख देगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले मैं यहाँ पर आपको चेंज कर देता हूँ, लिख देता हूँ कमेंट में, मैं अभी काम करने लगा हूँ लेफ्ट आउटर ज्वाइन पर। और यहाँ पे इनर जॉइन की जगह हम लिख देंगे लेफ्ट आउटर जॉइन। अब ये क्या करेगा, उस बच्चे का डेटा भी लेकर आएगा जिसका एडमिशन हुआ है लेकिन फीस नहीं आई हुई है। देखिए फीस की जगह उसे नल लिख दिया, बाकी डेटा तो जो कॉमन था वो भी लेकर आया।
और लेकिन उस बच्चे का डाटा भी लेके आया जिसकी फीस नहीं आई हुई है, लेकिन उसका एडमिशन हुआ है, तो एडमिशन का डाटा आ जाएगा, फीस आ जाएगा, उसका नल आ जाएगा, यानी मतलब इस बच्चे की फीस नहीं आई है। इसमें हम वेयर का क्लाउज वगैरह लगा सकते हैं, हम दो डेट्स के ऊपर निकालते हैं नॉर्मली, उसमें हम जो है वो डेट ऑफ एडमिशन के हिसाब से लगाते हैं, तो वेयर का क्लाउज जो मैंने पिछली रिकॉर्डिंग में कराया था और वही आप यहाँ पर लगा लोगे, तो लास्ट में वेयर का क्लाउज लगा लो आप, इसमें ऑटो बाय लगा सकते हो, इसमें आप ग्रुप बाय लगा सकते हो, जो कुछ भी करना है हमेशा इसके बाद इस जगह पर आप करोगे, यहाँ पे आप वेयर का क्लाउज लगाना चाहते हो, ऑटो पे लगाना चाहते हो, ग्रुप पे लगाना चाहते हो, सब कुछ पॉसिबल है, सारा कोड जो हमने यूज़ किया था सब लग जाएगा, हम लाइक की क्वेरी भी लगा सकते हैं, और लेकिन सब चीज़ें जो है लास्ट में एंड में आएगी वेयर के क्लाउज के अंदर। अच्छा अब ऐसा है कि अगर मैं चाहता हूँ कि अब ये तो हमने लेफ्ट आउटर किया ना, मैं राइट आउटर से काम करना चाहता हूँ, लेकिन राइट आउटर से मतलब ये कि मैं चाहता हूँ एक बच्चे को मैं फीस असाइन करूँ लेकिन उसका एडमिशन ना करूँ, लेकिन चूंकि मैंने दोनों टेबलों में जो रिलेशनशिप बनाई हुई है वो बनाई हुई है वन टू मैनी के, यानी इनके दरमियान प्राइमरी की या फॉरन की रिलेशनशिप बनी हुई है, तो अगर मैं फीस वाले टेबल में आकर किसी के बच्चे का फीस की एंट्री करने लगूंगा जिसका एडमिशन नहीं हुआ, मैं कोई भी अलग से अपनी तरफ से रोल नंबर दूंगा तो वो नहीं लेगा। अब देखो रोल नंबर, तीन रोल नंबर है हमारे पास, अगर मैं यहाँ पर आके इंसर्ट करता हूँ एक क्यूरी को, मैंने कहा इंसर्ट इन टू टी बी एल फीस, और अगर मैं यहाँ पर आके कहता एफ मंथ और एफ अमाउंट मैंने दे दिए, ठीक है जी, और फिर मैं यहाँ पे रोल नंबर दे देता हूँ, और फिर मैं कहता हूँ वैल्यूज़ में आके अगर मैं कहता हूँ फीस मंथ जो है वो हमने लगा दिया, एक मिसाल एफ का लगा दिया और इसके साथ हमने अमाउंट दे दी 6000, और अगर एक ऐसे बच्चे का एडमिशन जिसका रोल नंबर वन का करता हूँ जिसका एडमिशन नहीं हुआ इस रोल नंबर वन के हिसाब से कोई एडमिशन नहीं हुआ हुआ, तो देन उस सूरत में क्या होगा, ये एरर दे देगा, ये हमें एरर दे देगा और ये कहेगा कि उस बच्चे उसकी तो प्राइमरी की ही नहीं है तो फ़ौरन की कैसे साइन हो सकती है। अब देखें मैं जब उसको रन करूँगा तो मुझे एरर आ जाएगा, सॉरी तो मुझे एरर आ जाएगा। अब देखें जहाँ पे एरर आ रहा है वो ये कह रहा है कि आपके पास प्राइमरी की नहीं बनी हुई है तो आप फ़ौरन की कैसे साइन कर सकते हैं। तो अब अगर मैं ऐसा डेटा एंट्री करना चाहता हूँ, बाद सिनारी में ऐसा होता है कि हम एप्लीकेशन बनाते हैं और यूज़र से हम पूछते हैं तो यूज़र कहता है नहीं भाई, अगर रश के टाइम पे अगर बच्चा आता है और हमारे पास एडमिशन एंट्री करने का टाइम नहीं है तो हम उस पर हम एडमिशन फॉर्म दे देते हैं, उसको फिल कर देते हैं, लेकिन उसकी फीस ले लेते हैं और फीस की वजह लाजमत इन्वाइस भी मांगेगा तो रोल नंबर के साथ इन्वाइस आएगी, तो हम हार्ड कोडेड रोल नंबर लिख देंगे और बाद में जब एंट्री करेंगे तो वही रोल नंबर उस बच्चे को दे देंगे, साइन कर देंगे, तो फिर हम इस सिनारियों में फ़ौरन की नहीं बनाते। अब मैं पहले तो इसमें से फ़ौरन की को रिमूव करूँगा, तो यहाँ पे देखिए हम फीस के टेबल में डिज़ाइन पे आते हैं, तो यह आर नंबर पे रिलेशनशिप बनी हुई है जो मैंने लास्ट टाइम कोड से बनाई थी, ये देखिए रिलेशनशिप बनी है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये ऑल्टर की कमांड से भी हो सकता है, लेकिन अब थोड़ा टाइम शॉर्ट है तो फिर मैंने यहाँ डिज़ाइन मोड से कर दिया। अब मैं इस बच्चे की एंट्री करता हूँ तो ये कोड हमारा चल जाएगा, देखिए चल, अब मैं आता हूँ और मैंने यहाँ पर रिलेशनशिप तो ख़त्म कर दी है, अब देखें डिज़ाइन भी आते हैं और देखते हैं क्या रिलेशनशिप ख़त्म हो चुकी है, हाँ ख़त्म हो चुकी है। तो मैं अगर बच्चे की एंट्री करता हूँ, अच्छा एफ अमाउंट, अच्छा सॉरी मैं दोनों रिपीट कर दिया, हमने यहाँ पे एफ मंथ आ गया और यहाँ पे हमारा एफ मंथ आ गया, ठीक है, अब मैं कहता एफ मंथ, ठीक है जी, अब पहले वो एरर कुछ और था, अब ये एरर चेंज हो गया, अब मैं यहाँ पे एंट्री करता हूँ तो ये एंट्री ले लेगा। अब देखिए यहाँ पे रिकॉर्ड ऐड हो गया, अब अगर मैं यहाँ पर आके इसको देखता हूँ, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, और इससे अगर मैं फ़ीस का रिकॉर्ड देखता हूँ तो इससे मतलब एक बच्चे की फ़ीस आई हुई है और उसका रोल नंबर 100 है जो कि इसकी प्राइमरी की नहीं बनी हुई है। अब अगर मैं इसमें से यहाँ से ये डेटा उठाता हूँ, इक्विजन उठाता हूँ, तो भी मुझे इसका आउटपुट नहीं आएगा, देखे नहीं आ रहा आउटपुट मेरे पास। अगर मैं ये डेटा उठाता हूँ लेफ्ट आउटर, तो भी मुझे इसका आउटपुट नहीं आएगा क्योंकि वो तो स्टूडेंट से चल के आ रहा है। तो फिर मैं इस पर्पज़ के लिए क्या करूँगा, मुझे राइट आउटर यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि राइट हैंड साइड पे मेरे पास फीस का टेबल है। तो मैं क्या करूँगा, यही जो मैंने लेफ्ट आउटर वाला कोड था सेम यही कोड चलेगा, और इसमें क्या हो जाएगा कि जहाँ मैंने लेफ्ट आउटर दिया है वहाँ हम लिख देंगे राइट आउटर जॉइन। राइट आउटर जॉइन में जब लगाऊंगा तो इससे मतलब है अब वो राइट हैंड साइड से चलेगा और मुझे राइट हैंड साइड से चलेगा तो पहले फीस के टेबल पे जाएगा। अब देखिए वो फीस के टेबल पे गया, फीस लिख दी, लेकिन जब वो स्टूडेंट के टेबल पे गया तो उसको यहाँ पे उसका रोल नंबर वन का डेटा नहीं मिला, और जब रोल नंबर वन का डेटा नहीं मिला तो उसने उसकी जगह नल लिख दिया। लेकिन जो काम ये कर रहा था इसके इसमें देखा, मैं दोनों दिखाता हूँ आपको, जो काम हमारा लेफ्ट आउटर कर रहा था कि इस डेटा का इस बच्चे का डेटा लेके आ रहा था वो ये लेके नहीं आएगा,
क्यों नहीं लेकर आएगा कि वो अपने राइट आउट दिया तो पहले फीस पे गया और फिर स्टूडेंट के टेबल में गया, जिस जिस बच्चे का रोल नंबर मिला उसकी एंट्री से यहाँ पे साथ में डाल दी और जिसका रोल नंबर नहीं मिला नल कर दिया। लेकिन इस बच्चे का डेटा उसको ज़रूरत नहीं थी, क्यों? क्योंकि इसका डेटा फीस के टेबल में नहीं था। अब मैं चाहता हूँ नहीं ऐसा नहीं हो, अगर डेटा फीस आई है तो उसका डेटा भी आ जाए और एडमिशन हुआ है उसका डेटा भी आ जाए, फीस नहीं है तो उसका भी आ जाए, तो फिर हम इस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं फुल आउटर जॉइन। तो फुल आउटर जॉइन के लिए हमने क्या करना होता है कि जहाँ पे हमने राइट आउटर लिखा होता है वहाँ पे आप लिख देते हैं फुल आउटर जॉइन। जब आप यहाँ पे फुल आउटर जॉइन लिखोगे तो इसका मतलब है ये दोनों साइड से चलेगा, ये स्टूडेंट का रिकॉर्ड से सबको लेकर आएगा, फिर फीस पे जाएगा, जहाँ फीस होगी फीस एडजस्ट करेगा और जहाँ फीस नहीं होगी और तो उसमें जगह नल लिख देगा, और जहाँ पे फीस आई हुई है एडमिशन नहीं हुआ तो उसमें एडमिशन वाले स्टूडेंट के डेटा में जगह नल लिख देगा। तो ये दोनों साइड से चलेगा। तो देखें यहाँ पे से क्या किया, इस बच्चे का एडमिशन हुआ फीस नहीं आया तो फीस को नल कर दिया, इस बच्चे की फीस आई है एडमिशन नहीं हुआ तो उसने उसको नल कर दिया। सो दैट दोनों साइड से चला और दोनों साइड से उसे डेटा कलेक्ट कर दिया। तो ये हमारे पास जॉइनिंग होती है, बड़े काम की होती है। इस तरीके से हम जो है क्यूरीज बनाते हैं और वी आर के क्लाउज लगा के नॉर्मली हम दो डेट टाइम पिकर पर डेटा कलेक्ट करते हैं, तो इस तरह से काम होता है। अच्छा, फिर दूसरी बात, अगर मुझे मेरे पास तीन टेबल हों और मैं चाहता हूँ तीन टेबल पर मैं जॉइनिंग यूज़ करना चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो देन उस सूरत में क्या करते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पर आके एक टेबल में और बनाता हूँ और यहाँ मैं आपको सिखाता हूँ, जैसे लास्ट टाइम हमने किया था तो हमने क्या किया था कि हमने वन टू मैनी की ज्वाइनिंग की थी ना, तो अब हम क्या करते हैं कि आज मैं आपको सिखाता हूँ वन टू वन की ज्वाइनिंग, ताकि दोनों चीज़ भी आपके सामने आ जाएगी। वन टू मैनी हम कर चुके हैं, वन टू वन कर लेंगे। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल स्कूल की एप्लीकेशन होती है तो इसमें इनरोलमेंट नंबर का एक टेबल होता है। इनरोलमेंट नंबर जो होता है वो यूनिक होता है, एक बच्चे को मिल गया तो इससे मतलब वो नंबर किसी और को नहीं मिलेगा और इसके अलावा जो है उसको कोई दूसरा नंबर नहीं मिलेगा। जैसे NIC है, पासपोर्ट नंबर है, हमारे एपटेक में जैसे जो है वो स्टूडेंट ID होती है और स्कूलों में ID होता है, गवर्नमेंट स्कूलों में GR नंबर होता है। तो ये सब क्या होता है, ये आपके पास बेसिकली क्या होता है, यूनिक होता है। एक बच्चे को जो नंबर मिल गया वो नंबर किसी और को नहीं मिलेगा और उस बच्चे को कोई दूसरा नंबर नहीं मिलेगा। तो फिर उसके लिए हम करते हैं वन टू वन की ज्वाइनिंग, यानी स्टूडेंट के टेबल में और इनरोलमेंट नंबर के दरमियान मैं वन टू वन ज्वाइनिंग करूँगा। तो उसका सेंटेक्स क्या होता है, जैसे मैं लिखता हूँ, मैंने कहा क्रिएट टेबल और मैं टेबल का नाम दे दिया, हमने कहा TBL इनरोल दे दिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है जी। फिर इसके बाद हमने यहाँ पे ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट स्टार्ट किए। अब मैं उसके अंदर क्या क्या फील्ड देना चाहता हूँ, मैंने कहा EID देना चाहते हैं और उसकी टाइप में इंटीजर दूंगा, तो मैं इसको यहाँ पे प्राइमरी की बनाऊंगा। एक तो वो प्राइमरी की भी होगी और उसको मैं इसी को मैं फॉरेन की भी बना दूंगा। प्राइमरी की से क्या होगा, वो यूनिक हो जाएगा, और फॉरेन की से मतलब है इसका मैं स्टूडेंट के टेबल से रिलेशनशिप बना दूंगा वन टू मैनी की। तो यानी रिलेशनशिप बन जाएगी प्राइमरी की और फॉरेन की, और ये खुद भी प्राइमरी की होगी तो यूनिक हो जाएगी। और इसी तरीके से यहाँ पर आके अगर मैं फॉरेन की बनाने के लिए मैंने कहा रेफरेंसेस, और रेफरेंसेस में आके मैं कहता हूँ TBL स्टूडेंट स्टूडेंट, और उसके अंदर क्या कॉलम होगा, R नंबर होगा। फिर इसी तरीके से मैं इनरोलमेंट नंबर, ये तो खैर ऑटो जनरेट होगा, मैंने इसको इंटीजर कर दिया है, और चाहे बल्कि ऑटो जनरेट तो नहीं होगा, सॉरी हम अपने हाथ से देंगे। अगर हम इसको ऑटो जनरेट करना चाहते हैं तो ऑटो जनरेट भी करेंगे तो प्राइमरी की बन जाएगी, और लेकिन उसको फिर हमें मैच करना मुश्किल हो जाएगी, तो इसलिए मैं इसको जो है वो प्राइमरी की करके, तो नॉर्मल तुमने कर दिया और फॉरन की भी कर दिया। तो फिर मैं ई नंबर से इनरोलमेंट नंबर जो कि वो यूज़र अपने हाथ से लिखेगा मैं उसकी टाइप दे देता हूँ, और मैंने इसको एन वर्चार कर दिया फॉर एग्जाम्पल, मैंने इसको जो है वो 15 करेक्टर पास कर दिए, और इसको मैं नॉट नल कर दूंगा, खाली नहीं छोड़ सकता। और फिर मैं चाहता हूँ ये भी यूनिक हो जाए, इनरोलमेंट नंबर किस जिस उसको मिल गया तो वो यूनिक हो जाए, तो उस वो नंबर किसी और का ना मिले, तो फिर हम यहाँ पे आके यूनिक कर देंगे। अब क्या होगा, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। इस टेबल के अंदर EID आपके पास प्राइमरी की है, इसका मतलब है यूनिक होगी, डुप्लीकेट हो नहीं सकती। इसका मैं रेफरेंस दे रहा हूँ फॉरेन की का स्टूडेंट के टेबल से, इसका मतलब है उसके साथ जो है वो रिलेशनशिप बन जाएगी, यानी वहाँ पे उसकी जो प्राइमरी की है यहाँ पे यही फॉरेन की बन जाएगी, यानी EID आपकी फॉरेन की भी बन जाएगी, और इस टेबल में प्राइमरी की होगी और उस टेबल के साथ रिलेशनशिप में ये फॉरेन की होगी, तो ये हमें बेनिफिट होगा। दूसरा ये है कि जो ई नंबर की जो कॉलम है उसको मैं यहाँ पे यूनिक कर दूंगा, इसका मतलब है वो जिसको मिल गया वो दोबारा वो किसी और को मिल नहीं सकता, वो नंबर किसी को रिपीट नहीं हो सकता। अब देखिए मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो हमारे पास जो है टेबल क्रिएट हो चुका है। अच्छा, अब मैं इसमें रिकॉर्ड भी इंसर्ट करके आपको दिखाता हूँ। जैसे हमारे पास पहले मैं देखता हूँ हमारे पास जो डेटा है, मैं आपको दोबारा शॉर्ट खोल देता हूँ TBL स्टूडेंट का डेटा। इस स्टूडेंट के डेटा के अंदर हम आते हैं तो हमारे पास देखें तीन रिकॉर्ड मौजूद है। उसका मतलब अगर मैं यहाँ पर इंसर्ट करने लगूँगा तो मैं कहूँगा इंसर्ट इन टू
और हमने कहा टी बी एल इनरोलमेंट नंबर, और यहाँ पे आके मैं कॉलम दूंगा, मैंने कहा ई आई डी देना है और ई नंबर देना है। फिर हमने कहा वैल्यूज, ई आई डी हमें क्या देना चाहता हूँ, देखें ई आई डी हमने न्यूमेरिक टाइप रखी हुई है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ई आई डी पास कर दी। अच्छा अब देखें, हाँ एक बात याद रखिएगा, मैंने जहाँ पे ई आई डी को प्राइमरी की बनाया और स्टेबल का फॉरन की बनाया, ऐसा होता है मैं ई आई डी सिर्फ और सिर्फ 100, 101 और 102 दे सकता हूँ, इसके अलावा मैं कुछ और नहीं दे सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये इसकी फॉरन की है, तो प्राइमरी की यहाँ पे होगी तो फॉरन की जनरेट होगी, तो हम यहाँ पे 100 दे सकते हैं, ठीक है जी, 101 दे सकते हैं और 102 दे सकते हैं, इनकी प्राइमरी की जनरेट हुई भी है। और इसी तरह मैंने इनरोलमेंट नंबर पे स्ट्रिंग में मैंने कहा स्टूडेंट 123 दे दिया, ठीक है जी। अब क्या होगा कि जब मैं इसको रन करूँगा तो रन हो गया, रिकॉर्ड चला गया, ठीक है जी। अब मैं अगर इसको दोबारा से रन करता हूँ तो ये 100 वाले को स्टूडेंट आईडी मिल चुकी है, तो अगर मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ तो ये मुझे एरर दे देगा, ठीक है, मुझे एरर दे दिया, कहता है ऑलरेडी प्राइमरी की बनी हुई है और ये डुप्लीकेट इसकी इसमें नहीं हो सकती क्योंकि 100 के नाम से ऑलरेडी जनरेट हुआ है तो प्राइमरी की हुई भी है। अगर मैं इसको आगे 101 कर देता हूँ तो ये डेटा जो स्टूडेंट 123 ये भी नंबर मैं किसी दूसरे को दे चुका हूँ, तो इसको मैंने यूनिक रखा हुआ है, जब इसको मैंने यूनिक रखा हुआ है तो इससे मतलब ये भी इसको अलाउ नहीं करेगा, तो अगर मैं इसको रन करूँगा तो ये फिर मुझे जो है इस तरह का एरर दे देगा और मुझे अब इसने एरर चेंज कर दिया, कहता है आपने यूनिक रखा हुआ है डुप्लीकेट कैसे दे सकते हो उसको, तो इसका मतलब है 101 को जो आईडी मिल गई वो किसी और को नहीं मिल सकती है, 100 को मिल गई, 101 को अगर मैं देना चाहूँगा तो मैं इससे हट कर दूसरी आईडी दूंगा, मैंने 104 दे दिया तो ये इसको ले लेगा, ठीक है जी, क्लियर आ गए सबके पास समझ में आ गए। अच्छा अब आ जाते हैं हम लोग इसके बाद, अब मैं इन तीन टेबलों से डेटा लेना चाहता हूँ तो कोई इतना मुश्किल नहीं है, चाहे इक्वी जॉइन में लगाना है, चाहे इनर जॉइन में लगाना है, चाहे लेफ्ट आउटर में, चाहे राइट आउटर में, कहीं भी लगा सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। अब जैसे हमने यहाँ तक काम किया हुआ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आके हमने टेबल दे दी और इसमें इनर जॉइन में देख लिया, कोई भी देख लिया, कोई इशू नहीं है, तो इक्वी जॉइन हमने यहाँ पास किया, फिर इसके बाद यहाँ हमने लेफ्ट आउटर दिया, राइट आउटर दिया, फुल आउटर आ गया, इनर जॉइन आई थिंक मेरे साथ जो है वो शायद जो है वो डिलीट हो चुका है, तो खैर कोई मसला नहीं है, हम यहाँ पे इनर जॉइन ही करते हैं क्योंकि नॉर्मली इनर जॉइन में इस्तेमाल करते हैं, हम तीनों टेबल से डेटा लेना चाहते हैं, तो फिर मैं इसको जैसे कॉपी करके मैं यहाँ ले जाता हूँ और इसको मैं यहाँ पे दे देता हूँ इनर जॉइन, ठीक है जी। तो अब देखिए यहाँ दो टेबलों से डेटा हमारे पास ला के दे रहा है, दो टेबलों से डेटा आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है, मैं इस पर तीसरा टेबल ऐड करना चाहता हूँ, तो इस पर्पज़ के लिए आपने क्या करना है, जहाँ पे आपने ऑन लगा दिए, ऑन लगा चुके हो, दो टेबलों को आप ज्वाइन कर चुके हो, तो पहले तो मैं यहाँ पर आके तीसरे टेबल के कॉलम दे देता हूँ, मैंने कहा जो मुझे चाहिए अगर स्टार्टिंग में चाहिए तो स्टार्टिंग में आप पास कर लो, ठीक है, हम स्टार्टिंग में देना चाहते हैं, मैं कहता हूँ इनरोलमेंट नंबर से इससे पहले आ जाए, तो फिर मैंने यहाँ पर दे दिया, हमने कहा ई दे दिया नाम और मैंने कहा डॉट और हमने यहाँ पे ई से इशारा है, हमने कहा ई एन कर देते हैं और इसको मैं डॉट करके ई से कर सकते हैं, मसला नहीं है, ई डॉट करके मैंने यहाँ पे दे दिया कौन सा मुझे चाहिए इनरोलमेंट नंबर, इसमें जो मैंने कॉलम पास किया है, जैसे मुझे ई आई डी चाहिए और फिर मैं ई डॉट यहाँ पे ई नंबर दे देता हूँ, मुझे ई नंबर भी चाहिए, और फिर इसके बाद आपने यहाँ पर आके बताना होगा कि ये ई क्या है, तो फिर आपने यहाँ पे कॉमा लगाया, ठीक है जी, और इसकी जगह सॉरी ये तो इसके बाद आपने यहाँ पे आके इनर जॉइन लगा दिया और टी बी एल फीस एफ पास कर दी, फिर इसके बाद आपने यहाँ पर आके ऑन करके दोनों में रिलेशनशिप बन चुका है, तो दोबारा से आप लिखेंगे इनर जॉइन और आपने कहा टी बी एल इनरोलमेंट और इसको आपने यहाँ पे ई पास कर देना जो कि आपने उसको निकनेम दिया हुआ है, फिर आपने वही कोड करना है, यानी आपने प्राइमरी की और फॉरेन की को मैच करना है, तो आपने कहा टी डॉट आर नंबर इसको आप मैच कर दोगे ई डॉट ई आई डी से, एम्प्लॉई आई डी से, तो ये आपके पास तीनों टेबलों से डेटा लेकर आएगा और कौन सा लेकर आएगा, यूनिक डेटा लेकर आएगा, यानी वो डेटा जिन बच्चों का एडमिशन भी हुआ है, आप देखें इनरोलमेंट नंबर असाइन हुआ है दो को, 100 वाले को और 101 वाले को, तो बाकियों का नहीं आया, बाकियों का अब देखें यहाँ पे मैं आ जाता हूँ तो मेरे पास एडमिशन तो 102 का भी हुआ है लेकिन उसका इनरोलमेंट नंबर जनरेट नहीं हुआ है, तो उसका डेटा वो लेकर नहीं आएगा,
तो डेटा किसके लेके आ रहा है, इन तीनों टेबलों से लेके आ रहा है। तो इस तरह से अगर हम इसको हम लेफ्ट आउटर पे लगाना चाहते हैं तो लेफ्ट आउटर से कर देंगे, राइट आउटर लगाना चाहेंगे तो राइट आउटर लगा देंगे, सेव और से हम यहाँ पे इनर ज्वाइन की जगह वो आउटर चेंज कर देंगे, बाकी सारा कोड हमारा वही होगा। वेयर का क्लाउज लगाना चाहते हैं वेयर का क्लाउज लगाएं, तीन टेबल है तीन से अगर चौथा टेबल करना चाहते हैं तो दोबारा आप यहाँ पर आ जाओगे और एक और इनर ज्वाइन साथ लगा लोगे, पाँचवा करना है छठा करना है जितने भी टेबल से करना है, इस तरीके से हम इसको जो है वो रिपीट करते रहेंगे। तो आई होप तकरीबन ये वो क्यूरीज हैं जो कि आपको एक एप्लीकेशन बनाने के लिए कंपल्सरी आपको आनी चाहिए, जिसके अगेंस्ट में आप कोई भी डेटाबेस से स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो इसके बाद की जो मैं ट्रेनिंग में पॉइंट ऑफ सेल का मैं इन्वेंट्री एप्लीकेशन और इन्वेंट्री एंड सेल की एप्लीकेशन का मैं डेटाबेस बनाऊंगा तो उसको देख लीजिएगा, लेकिन पहले इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हमने काम करना है। हमारे चैनल मुझे पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें मेरी वीडियो को और कमेंट करें, जो भी आपको इस बारे में जानना चाहते हैं कुछ पूछना चाहते हैं कोई कमेंट्स है तो ज़रूर उसे डिस्कस करें।